गुलशन के आग से फूलों ने गुलशन को बचाया है। मुहाफिज अमन के हम हैं, ये दुनिया को दिखाया है। हमारे फूल से बच्चे शुजात। अस्सलाम वालेकुम जी, मेंबर नेशनल असेंबली डॉक्टर शाइस्ता जतून, आज कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ मैं और मुझे इंतहाई ज्यादा खुशी है कि आज ICU वार्ड में मैं खड़ी हूँ। मुझे फख्र है आज इस बात का कि इसी इंस्टीट्यूशन से आज से कुछ दौर पहले मैंने पढ़ा था और आज मैं मेंबर नेशनल असेंबली बनी। ये पेशेंट है जो कहते हैं ना कि सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी बचाने वाला ऊपर बैठा हुआ है आपका, और सबसे इसको बचाने में जो हाथ किरदार मेन किरदार अदा करते हैं वो हमारे ये डॉक्टर्स हैं, हमारा ये नर्सिंग स्टाफ है, हमारा टेक्निकल स्टाफ है, और मैं इस बात पर इनको सलूट पेश करती हूँ। ऐसे केस का बचना बहुत मुश्किल है, देर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन दिस केस, और मुझे बहुत ज्यादा जिसमें एसिडोसिस हो जाते हैं, रिथमियाज होते हैं, बींग अ डॉक्टर मुझे पता है, लेकिन ऐसे मॉनिटरिंग की गई है, इस किस्म की मॉनिटरिंग थी कि मुझे इस बात पर खुशी है कि अल्लाह ताला ने आज इस मरीज को महफूज किया। मैं सलूट पेश करती हूँ अपने सारे अमले का जो मेरे साथ यहाँ पे ICU का खड़ा हुआ है, मैं सलूट पेश करती हूँ इस डॉक्टर साहब को जो मेरे हाल में अपनी 36 घंटे की भी ड्यूटी करके अगर इनको यहाँ पे बुलाया जाए तो ये दोबारा एक्टिव होकर खड़े होते, क्योंकि मैं कल इसी सफ में खड़ी थी और मुझे पता था। और फिर जब किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है तो पता नहीं क्यों नहीं कोई पॉइंट आउट किया जाता है, जिंदगी जब खत्म होनी है तो अल्लाह की जात के पास खत्म होनी है। ये अपनी आखिरी काविश करते हैं कि अगले इंसान की जिंदगी को बचाया जाए और उसको दोबारा जिंदगी दी जाए। फिर बहुत शुक्रिया जूट टीचिंग हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ का कि जिन्होंने इतनी कोऑपरेशन की और इसकी जान बचाई, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हरिपुर की अवाम की तरफ से आपका, आपका दिल के था गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये केस रिजवाना बीबी का केस, हमारे पास 40 ईयर ओल्ड फीमेल है, ये हरिपुर से एक केस आया था हमारे पास वीट फिल पॉइजनिंग का, जो कि वहाँ पे जब देश के हॉस्पिटल हरिपुर में प्रेजेंट हुआ तो उन्होंने इसके गैस्ट्रिक लवाज करके इधर ATH में शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे ये मेडिकल वार्ड में दाखिल होने के बाद हमारे पास जब शिफ्ट हुआ तो शी वॉज इन सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और इरिटेबल थी, और हमने इनको जब अपने पास एडमिट किया तो हमने इनको फुली एक्सप्लेन कर दिया था प्रोग्नोसिस का, लेकिन चूंकि ये मेरा दूसरा केस है, इससे पहले भी एक केस मैंने ट्रीट किया था, क्योंकि मैंने एक होप दी थी कि यार वो ट्रीटमेंट बंडल जिस पे भी मैं अप्लाई करूंगा तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक शफा देने वाले हैं, तो अल्लाह पाक ने वो ट्रीटमेंट बंडल हमने इन पे भी अप्लाई किए तो अल्लाह ने शफा दी इनको, और आज ये इंशाल्लाह वो जो शुरू की डिस्ट्रेस थी उससे निकल आई है, और माशाल्लाह शी इज नाउ मोबिलाइज, और अभी ये फिट भी हैं, बात भी कर रही हैं, और विदाउट ऑक्सीजन भी है, और माशाल्लाह अल्लाह इनको आगे भी सेहत दे। तो ये चूंकि एक वीट पिल बहुत नोटोरियस पिल है फॉर दी हाई मोर्टेलिटी, तो इससे अल्लाह ने अगर इनको शिफा दे दी है तो ये एक हम भी अपने स्टाफ और उसके हवाले से ये बात करते हैं कि उनकी भी इसमें बड़ी मेहनत है, उन्होंने जो चीज़ें हमने बताई टाइमली उन्होंने की, और माशाल्लाह अभी ये इधर ठीक ठाक बैठी नहीं है, तो हो सकता है हम शाम को या कल इनको डिस्चार्ज भी कर लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चौधरी कमल नवाज मेरा नाम है और मैं हरिपुर के गाँव जटीपेंट से बिलोंग करता हूँ। तो कुछ बच्ची और बच्चे का आपस में झगड़ा हुआ था शाम के बाद, तो वालदा ने उन्हें डराने के लिए धमकाने के लिए वो बार बार शोर कर रहे थे, तो वो उन्होंने गोली ले ली, जो खासकर हमारे यहाँ गंदम में रखी जाती है। तो अल्लाह का करम हुआ जब वहाँ से हम इनको लेकर ट्रामा सेंटर हरिपुर गए, उन्होंने इनका स्टॉमिक वाश किया और उन्होंने कहा कि इनको रेफर कर दिया। डॉक्टर मुनव्वर अली साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि 99